नमस्कार, स्वाद और सेहत का संगम करने वाली वेजिटेरियन रेसिपी चैनल ग्रीन किचन में आपका स्वागत है। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार, ग्रीन किचन में आज हम बनाएंगे उपवास के ढोकला। उपवास के ढोकला घर में कम इंग्रेडिएंट से आसानी से तैयार हो जाते हैं, तो आइए बनाते हैं उपवास के ढोकला। इसका मेन इंग्रेडिएंट है मोरैया। इसे उपवास के चावल के नाम से भी जाना जाता है, तो ये मोरैया से ही हम उपवास के ढोकला बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आधा कप मोरैया लिया है, तो अब इसे हम पीस लेंगे। तो ये देखिए, मोरैया को हमने अच्छे से पीस लिया है। अब हम इसे एक मिक्सिंग बाउल में ले लेंगे और ये 85 ग्राम का अमूल मस्ती दही है, जिसे मैंने 2 घंटे पहले फ्रिज में से निकाल दिया है, क्योंकि ढोकला या इडली बनाने के लिए हमें नॉर्मल टेम्परेचर पर आया हुआ दही चाहिए। तो अब ये दही को इसमें डाल देंगे और इसमें से ढोकला का बेटर बना लेंगे। थोड़ा पानी डालेंगे, तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और जरूरत के मुताबिक पानी डालकर हम बेटर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, ये ढोकला का बेटर हमने अच्छे से बना लिया है। अब हम इसे ढक के 15 मिनट के लिए रख देंगे। तो 15 मिनट हो गई है और ये हमारा बेटर अच्छे से फूल गया है। बेटर को आगे की प्रोसेस शुरू करने से पहले हम क्या करेंगे, पहले स्टीमर गर्म कर देंगे। तो पहले हम स्टीमर में पानी डाल देंगे, तो स्टीमर के 1/4 हिस्से में हमने पानी डाल दिया है। हम इसमें कटा हुआ नींबू डालेंगे ताकि ये काला ना पड़ जाए, क्योंकि ये एल्यूमिनियम का स्टीमर है। तो हम इसे अब ये डिश रख देंगे। तो हम इसे बंद करके थोड़ी देर के लिए पानी गर्म होने के लिए रख देंगे और तब तक हम हमारा बेटर तैयार कर लेंगे। ढक्कन को हम थोड़ा खुला रहने देंगे। तो अब ये बेटर में हम थोड़ा नमक डालेंगे। यहाँ पे मैंने नॉर्मल नमक क्या यूज किया है, अगर आप चाहे तो इसमें सेंधा नमक भी डाल सकते हैं। और 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे और ये थोड़ी सी अदरक हरी मिर्च की पेस्ट है तो वो भी डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम ढोकला की डिश तैयार कर लेंगे, तो इसके लिए इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे और ये चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे और ये बेटर को इसमें डाल देंगे। अब इस पर हम थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर छिड़क देंगे ताकि हमारे ढोकला का लुक एकदम अच्छा लगे। अब ये डिश को हम स्टीमर में रख देंगे और ढोकला को मीडियम हीट पर 15 मिनट के लिए स्टीम कर लेंगे। तो ये देखिए, ये स्टीमर अच्छे से गर्म हो गया है और आधा खुला रखा था इसलिए जल्दी खुल गया है ढक्कन। तो ये डिश को हम धीरे से रख देंगे और इसे अब पूरा ढक देंगे, मीडियम हीट पर 15 मिनट के लिए कुक कर लेते हैं। 15 मिनट हो गई है और हमारा उपवास के ढोकला अच्छे से स्टीम हो गए हैं। तो ये देखिए, चप्पू एकदम क्लीन निकला, ये अच्छे पक गए हैं। अब हम इस पर कट लगा देंगे। तो अब ये ढोकला पर हम जोक लगा देंगे। तो जोक लगाने के लिए हमें चाहिए 1 बड़ा चम्मच तेल, 2 कटी हुई हरी मिर्च, थोड़े करी पत्ते और 1/4 चम्मच जीरा। तो इसके लिए हम तेल गर्म करेंगे।
तो तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें जीरा डाल देंगे, कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और करी पत्ते भी डाल देंगे, इसे अच्छे से चला लेंगे। तो लीजिए ये हमारा ढोक तैयार है, अब हम गैस बंद करेंगे और ढोकला पर इसे गार्निश करेंगे। तो ये हम ढोकला पर डाल देंगे। तो लीजिए तैयार है उपवास के लिए ढोकला, ये बहुत टेस्टी लगते हैं, तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिए।